मेरी कहानी कुछ नई पुरानी यादों की कहानी, मेरी सुबह शाम और तेरी यादों की कहानी, अब बनती जा रही है कोई अजब सी कहानी। तू ना सही मेरे पास, पर तू हिस्सा है मेरी कहानी का। दूर होकर भी रोज लिखता हूँ तेरी मेरी कहानी, बस तू ही है एक मेरी कहानी। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, ट्रेवलिंग ब्लॉग है। आई होप यू प्रीवियस मेरे जो पिछले ब्लॉग आप और ये भी ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया। मुझे आपके सहयोग और सपोर्ट की जरूरत है। और तो क्या है, वैसे मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान से झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। मेरा नाम ललित स्वामी है। और तो क्या है, कुछ नया डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर किसी की अपनी अपनी कहानी होती है। कोई अपनी कहानी खुद लिखता है तो किसी की किस्मत लिख देती है। कोई अपनी कहानी को सभी के साथ बांट लेता है तो कोई इसे सहेज कर रख लेता है। कोई अपनी कहानी को शब्दों में बयां कर देता है तो कोई इसे नज़रों में छुपा लेता है। दरअसल मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यह करूँगा, पर कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो खुद को खुद से जोड़ देते हैं। हम हमेशा अपने बचपन को याद करते हैं और जवानी में जीना चाहते हैं, पर कभी खुद को नहीं ढूंढ पाते। हम वो नहीं कर पाते जो हम हैं, हम वो करते हैं जो हमें वक्त और हालात से मिलता है। मैं कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हूँ, पर यह अपने आप को जीना चाहता हूँ। चाहे वो एक पल हो या एक दिन, वो लम्हा हमें अपनी दूसरी कठिनाइयों से लड़ने का सहारा देता है और हिम्मत देता है कि शायद वो तुम बन जाओ जो तुम रियल में हो, ना कि वो जो तुम में हालात ने बनाया। बस इस पिच पर डटे रहना, चाहे तुम्हारे हिस्से में खुशी आए ना आए, बस डटे रहना और यही तुम्हारी जीत है। बस यही हमारी कहानी है। शाम ढलने को आ रही है, बस घर चलने का वक्त हो चला है। फिर एक नई सुबह होगी और फिर एक नई कहानी होगी।